हाँ तो मेहरबान हो, बात उस मौके से होगी। ये कहानी गांव चिचिटा जिला बागपत में ऐसी ऐसी महानोक जग होंगे पैदा, राक्षस जो धोखे से जूची गवाई पे किशोरी को बका करके वो रामपाल पंडित जी से बका के ले जा रहा है। पौवे के लालच में उसका भैंस का फैसला था और आखिरी वक्त पे भैंस का क्या हुआ था? उसने भैंस चोरी में फैसले की बात की। अच्छा, भैंस चोरी कर ली थी? भैंस चोरी कर ली थी लोगों ने। अच्छा, और उसमें फैसले का टाइम आया तो भैंस या किशोरी को बना करके और जिला बागपत के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट होगी थी मोदी तुम लोगों का नाम है और किशोरी को कौवे के लालच में किस तरीके से रामपाल ले जा रहा है। और लालटो पता चल जाता है कि उसे गांव वालों ने बता दिया किशोरी को कौवे के लालच में रामपाल पंडित जी ले जा रहा है। ऐसा ना हो जा कभी चार सौ बीसी में काफी पड़ जाए तो दहाड़ मार के लालटो नोड़ने लगी और कहने लगी गांव वालों से, परमात्मा मैंने तो किसी कोई साथ कोई बुरा नहीं करा, आज रामपाल ने महाराज साहब क्या कर रहा है तो लगड़ी लेके गाँव में टोती फिर जोटे किस तरीके कह दी और बताया मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है धोखा वही देता है इस पर भरोसा होता है। रामपाल में तो बहुत बड़ा भरोसा करती थी तेरे पे, तो मुझे धोखा दे दिया, मेरे भैया को जेल कटवानी चाहता है और किस तरीके दहाड़ मार के रोके कवि ने किस तरीके लिखा। और हमारे राहुल बड़ाना जी भी इन्होंने सहयोग दिया और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सतीश प्रधान और मलखान के भतीजे नरेंद्र मोदी कौन ये देखिए ये भी हिराण में खुश होकर के 2100 रुपए का पुरस्कार करें। वीडियोग्राफर फौजी, वीडियोग्राफर फौजी नरेश के सुपुत्र, नरेश के सुपुत्र अजीत सिंह राजवाला के साथ में रह रहे हैं जो फिलहाल तिहाड़ जेल में ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 1100 रुपए ये भाई साहब भी दे रहे हैं, बहुत बड़ा धन्यवाद। और रानी शुरू होने जा रही है परमात्मा, हम तो चाहते हैं दिल की लगी को दिल ही जानता है, दिल की लगी को दिल ही जानता है। अगर दूसरों बताते तो मजाक जानता है कैसे दहाड़ मार के रो के लाडो किस तरह करिए। अरे ले के लाडो हाथ मेरे लगड़ी भला टोहवे दी चली, अरे टोहवे दी चली कहीं देखा हो किशोरी रे भैया रोवती चली। अरे ले के लाडो हाथ मेरा लकड़ी टोहवे दी चली, मारे टोहवे दी चली कहीं देखा हो किशोरी रे भैया रोवती चली। और पहली बात मैंने कह दिया ऐ मेरे हम दम करते न मैं दम मेरा दावन दम ले, जो तुम्हारे कुछ भी बस की बात नहीं है रामपाल फिर किशोरी का क्यों नाम ले। तो किस तरीके से कह दिया पहली बात में, तो कवि ने किस तरीके लिखा राणी में, हरे राम पाल भागा कर ले गया ठेके पैर जाके हो जाने पौवा पियावे, महारा तो भाई नाश हो लिया बाग पद में जाके हो जाने पौवा पियावे, भला रे गावड़ो से आज लाडो गावड़ो से आज लाडो कहवती चली, हाँ कहवती चली कहीं देखा हो किशोरी रे भैया रोवती चली। इन्होंने बहुत उसके साथ में धोखा करके और बागपत में ले गए और वहां मुर्गा भी खिलाया और दारू भी पिलाई तो चार से बीस में जाके पेशकार के पास खड़े हो गए। कहा जज साहब ने पूछा कि भैंस तुम्हारी है? हाँ जी। क्या चाहते हैं? हम फैसला चाहते हैं जी। और किसी उन्होंने जो दलालों को उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो दलाल ने आके बताया कि तो चार से बीस में झूठ बोल रहा है, इसकी भैंस नहीं हो तो मैंने देखा बड़ा आदमी है वो तो आदि विनोद लिखा है। तो इन्होंने इसी मामले में चार से बीस में उन्हें जज साहब ने जेल का ऑर्डर दे दिया और छह महीने की सजा बोल दी मेहमानों।
आज बहुत बुरा हो कर दिया रामपाल सिंह ने इस रायणी में। मैं ही समाप्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गांव की बात है, झगड़ा बहुत बड़ा चल रहा है मेरे वालों। सतीश प्रधान जी ने बहुत बड़ा सहयोग करा इन लोगों को 6 महीने की जेल में छुटवाया, और इस आदमी ने 50,000 रुपए दिए और हल भी सहयोग रहा बेचारा ये छुटवा के लाया इन लोगों को। फिलहाल मेरठ जा रहा था, फिलहाल जो मेरठ जा रहा था। देखिए आज हमारे बीच में राहुल गांधी, ये भी इसी प्राण में खुश होकर के 51,000 रुपए पुरस्कार कर रहे मेहमानों। धन्यवाद।